बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह सल अला मोहम्मद वाला आल मोहम्मद। शाहिद जानिए क्योंकि टीवी की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इल्म नजूम एक बहुत ही प्यारा और लतीफ़ फिल्म है जो मुस्तकबिल की आगाही देता है और हाल में अपने अहवाल को बेहतर करने की तरफ भी रहनुमाई, गाइडेंस, रेमडीज, दुआएँ, सदकात, बहुत सारी चीज़ें बताता है। हमारा जनाब फरवरी का आइना किस्मत मार्केट में आ चुका है, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। रोमन फल्कियात और आसमानी काउंसिल में जो सितारों की पोजीशन है, 165 साल के बाद सितारा नेपच्यून 19 फरवरी को अपने बुर्ज में दाखिल होगा और पूरी दुनिया और पाकिस्तान के लिए एक नया एक पुरसरारियत का दौर, अजायबात का दौर शुरू होने वाला है। ये जानने के लिए कि हमें अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करनी है और दुनिया में देखें जब वो जदल जारी है और पाकिस्तान में भी आप सियासी सूरत्याल नाजक से नाजक होती हुई देख रहे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कि तमाम सियासतदान हुकूमत में भी हों और आपस में दस्तों गिरेबान भी हों। दो असम्बलियाँ गिर चुकी हैं, असम्बली तीसरी नेशनल असम्बली को गिराने जाने की कोशिश जारी है हमारे अपोजिशन लीडर की। इमरान खान साहब को मैंने बहुत अर्सा पहले मशवरा दिया था कि जनाब उस सड़कों पर मार्च करना छोड़ दें और सियासतदान की शान यह है कि वो नेशनल असम्बली की खूबसूरत बिल्डिंग में वापस आएँ। मेरी बात जनाब 3-4-6 माह हवा में मुअल्लक रही और दो असम्बलियाँ गिराने के बाद वो नेशनल असम्बली में आए और जब वो आए तो फिर जनाब बहुत देर चुकी थी। मज़ीद जानने के लिए कि आइंदा क्या होने वाला है, अभी हमारा जो रिसाला है फरवरी का, बाज़ार से इसकी हार्ड कापी ख़रीद के पढ़ सकते हैं या जो नीचे नंबर आ रहा है चाहें तो इसकी PDF फाइल भी तलब कर सकते हैं। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा और याद रहे कि मैं अपने महाना बजट पे रावलपिंडी में और 21-25 तक मेरा यहाँ पे क्याम रहेगा। जो बहन भाई अपने किसी भी रूहानी एस्ट्रोलॉजिकल सिलसिले में मशवरा करना चाहें तो टाइम लेके मिल सकते हैं। आज के लिए इतने शाह जानी को इजाज़त दीजिएगा, आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी है। खुदा हाफिज़।